गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। टुडे विल डिस्कस द यूनिट थर्ड चैप्टर फोर्थ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स। डिस्कस द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? जनरली दिस इज ए स्टेट कंडक्टर, दिस इज ए स्टेट कंडक्टर and current flow in the state conductor and the moving charge particle in the conductor is also motions and create the magnetic field surrounding the wire. It means it is the space around a conductor carrying current or या magnet, कोई भी magnet है या कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट के अराउंड में जो स्पेस है वो स्पेस क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को फेल्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जनरली क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ए स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स और मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट can be felt is called concept of magnetic field. This is the concept of magnetic field. Generally it is the two names, magnetic inductance and magnetic flux density. इसके दो नेम है अलग से, इसको magnetic field को magnetic inductance भी कहते हैं और concept और इसको क्या कहते हैं, magnetic flux density भी कहते हैं। Basically magnetic field is a vector quantity. ये कैसी quantity है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है बी वेक्टर से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी वेक्टर से। एंड बेसिकली नॉट पॉइंट ए स्टैटिक चार्ज, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि कोई भी एक मूविंग चार्ज है जो प्लेस होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस टॉपिक ऑलरेडी स्टडी इन द 10th क्लास, दिस इज रिलेटेड टू द फ्लेमिंग रेफ्रेन रूल। If we stress the right hand and left hand rule, if we stress the fingers of hand, first finger, center finger and force also represent the direction of force, also represent this thumb, this straight line is also magnetic field, first finger, center finger also motion of the charge particle or velocity, this is the Fleming left hand and right hand rules. तो एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज पार्टिकल आल्सो मूविंग एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Then the motion of the charge particle of velocity v can be resolved into the two component. This is the horizontal component is v cos theta, vertical component is v sin theta. This is the v sin theta. Due to interaction of magnetic field, this charge particles then experience a force. कि जो charge particle जब interact करता है magnetic field के साथ motion करता है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है फोर्स। दिस एक्सपीरियंस फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल्स इज आल्सो टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, दिस इज एफ प्रोपोर्शनल टू द क्यू, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, the force experienced by the charged particle is directly proportional to the velocity component and perpendicular to this, F proportional to V sin theta.
नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड. देन कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर एफ इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज कंसिडर के इक्वल टू वन, वेयर एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स, और एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. दिस इज द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एफ वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्यू इज द चार्ज, वी इज द वेलोसिटी, B is the uniform magnetic field. Now find the direction of force. The direction of force is the cross product of velocity and magnetic field, and direction of force is also mutually perpendicular to the velocity and magnetic field. The direction of force also it is directed given out by the right hand rule. राइट हैंड स्क्रू रूल. दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके द्वारा फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल के द्वारा या राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा. ठीक है, जैसे दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड राइट हैंड रूल. दिस इज द राइट हैंड रूल कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और किसी भी वायर में करंट फ्लो रहा, तो इस तरीके से आपको फाइंड करनी है फोर्स की डायरेक्शंस. थंब आल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिंगर दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी इज द मूविंग द चार्ज पार्टिकल्स. तो इट मींस इफ ए चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड. इफ चार्ज पार्टिकल आल्सो नेगेटिव, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड. ऐसे ही आपको नेक्स्ट टॉपिकों में मैं आपको डायरेक्शन निकालने सिखाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की, कि कैसे निकालते हैं. कि अगर राइट हैंड रूल में अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो टेल्स करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. एंड अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. तो एफ इक्वल एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. दिस इज द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस अपवर्ड. केस इज फर्स्ट, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो moving along parallel to the direction of magnetic field, then theta is also 0 degree, or opposite direction moving to the parallel of magnetic field, theta is equal to 180 degree, because f equal to qvb sin 0 sin 180 sin 180 as sin 0 is 0, then f equal to 0. It means there will be no force created by the charge particle. F equal to 0. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल्स है या उसके एंटी पैरेलल्स मूव कर रहा है, तो देयर विल बी नो फोर्स क्रिएटेड, कोई भी फोर्स नहीं होगा, फोर्स कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड. इफ वेलोसिटी 0 मींस चार्ज पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, या चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, is not moving, moving नहीं कर रहा है, तो it means velocity 0, then F also 0. There will be no force expansion. Next, if charge particle is also perpendicular to the direction of magnetic field, then theta equal to 90 degree, then F equal to QVB sin 90, sin 90 always 1, F equal to QVB, this is force is maximum. तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा, एफ बराबर क्यू बी बी होगा. द मैक्सिमम फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, या डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स या राइट हैंड रूल, डिस्कस इन द
नेक्स्ट पेज प्लीज नोट डाउन. Now next unit of magnetic field vectors. You will find the unit of magnetic field. Basically SI unit of magnetic field is Tesla. कि जो magnetic field है उसको जो measuring करते हैं Tesla में measure किया जाता है और Weber per meter square. This is the Weber is the unit of magnetic flux. Phi. Now discuss in the fourth unit. वेबर पर मीटर स्क्वायर या डब्ल्यू वी मीटर स्क्वायर और एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर. दिस द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यूनिट का कि जो एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर. नेक्स्ट यू विल फाइंड द यूनिट where b b equal to f upon qb. b is the 1 tesla, f equal to 1 newton, charge 1 coulomb. charge unit kya hoti hai coulomb. velocity is measured in meter per second and coulomb is also measured in 1 ampere second. second is cancel out. now unit is 1 tesla equal to 1 newton per ampere per meters. 1 newton per ampere per meters. next dimension of b vectors. you will find the dimension of b. you know that formula of force f equal to q bb where b equal to f upon qb. write the dimension of force. force dimension is m1 l1 t minus 2. this is studied in the dimension analysis in class 11. upon charge is 80 ampere into my time. velocity is l1 t minus 1. velocity is l1 t minus 1. now t this minus 1 is also d is cancel out. 1 l is cancel out. then dimension of magnetic field is m1 e minus 1 or t minus 2. this is the dimension of magnetic field m1 e minus 1 t minus 2 t minus 2. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराया जाएगा जो सिलेबस में सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड करें नेट से 2019-20 का उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करें. इसके बाद आपको वो टॉपिक कराया जाएगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था उसको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा. फिर बायोसेवेटला रूटीन से थर्ड यूनिट की वीडियो आपके पास रूटीन से आते रहेंगे और एक ही टॉपिक का एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा. कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. एक रजिस्टर अपना बना लें मेक कर लें उसमें डेली रूटीन से वीडियो का जो भी सॉल्यूशन है उसको नोट करें. न्यूमेरिकल्स को भी नोट करें एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करें. कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ गए हैं और अच्छी जगह पहुंच गए हैं. होटल में से काफी अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ गए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन्स.